बेंगलुरु की बेलंदूर झील फिर से विषैला झाग उगल रही है। शहर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से झील की स्थिति बेहद खराब हो गई है। झील से उड़ने वाला विषैला झाग अब लोगों के मकानों में घुस रहा है। देखने में ये नजारा खूबसूरत लग सकता है, जैसे किसी ठंडे प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, लेकिन दरअसल ये जहर है। बेंगलुरु की बेलंदूर लेक से निकलता ये जहर हवा में फैल रहा है। अ स्लो पॉइजन टू आवर बॉडी, सो प्लीज वी वांट गवर्नमेंट टू रियली वर्क ऑन इट एंड प्लीज हेल्प द सिटीजन। सीवर का पानी और उद्योगों से निकलने वाले रसायन इस झील में आकर मिलते हैं। ऊपर से शहर की बढ़ती आबादी इस झील को लगातार प्रदूषित कर रही है। हम सांस लेते हैं यहाँ पे, उसमें इतना पॉल्यूशन है कि इसके लिए डर लगता है, इसके इम्यून सिस्टम के लिए ब्रीथ करने में दिक्कत होती है, डे बाय डे बीमार पड़ जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है। बारिश होने से फ्रॉथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चों को स्कूल में ले जाना इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस एंड नाउ आल्सो आई फेस्ड माय किड आल्सो गॉट सम फ्रॉथ इन हर हेयर, इट्स नॉट गुड नो द स्मेल एंड इट इज गिविंग सम इरिटेशन इन हर स्किन, सो दैट्स व्हाई एंड आई आल्सो फेस सम फ्रॉथ। So people are scared to go from that side. So it should be resolved as soon as possible. हवा में उड़ते झाग में कई बार विषैली गैस होती है और इसमें कभी कभी आग भी लग जाती है। हालांकि प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश पर प्रदूषण बोर्ड ने 76 फैक्ट्रियों को बंद भी कराया है। घरों से निकलने वाले कचरे को झील में फेंकने पर भी प्रतिबंध किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो वे बड़ी आसानी से टाल गए। गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल नेसेसरी एक्शन बिकॉज़ इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू एंड नाउ द एनजीटी इज देयर, इट इज देयर, इट विल बी सॉल्वड विद इन 1 or 2 years। बेंगलुरु में करीब 600 छोटी बड़ी झीलें हैं और शहर की बढ़ती आबादी का इन पर सीधा असर पड़ रहा है। 2001 से 2011 के बीच शहर की आबादी 65 लाख से बढ़कर करीब 95 लाख हो गई है और इन झीलों में करीब 5 करोड़ लीटर गंदा सीवेज हर दिन गिरता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को कई बार फटकार लगाई है। आरुषि पुंडीर की रिपोर्ट, गो न्यूज़।